कल बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी इस जर्नी को एक साथ जी रहा हूँ। फूट फूट के रोते रोते बस खुद को रोक रहा हूँ। लाइफ आपको बहुत अलग अलग तरीके से बहुत कुछ सिखा जाती है। यही है ना कि हमारे कदम जैसे चलते जा रहे हैं ना, आगे पीछे छाप छूटती जा रही है, हम उसको समेट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। द ओनली थिंग यू नो इज दैट यू नो द अटैचमेंट आई हैव विथ एवरी थिंग अराउंड दिस शो। बताऊँ कि आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी लकी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को यू नो कुछ दे सका इन रिटर्न। पता नहीं उसके पीछे कि इसकी कितनी मेहनत रही होगी कि इसने आज मैं इनको ऐसे देखती हूँ। तो सेट पे वो किसी को फील भी नहीं होने देगी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। जब मैं स्क्रीन पे जाके देखता हूँ ना घर पे, तब मुझे रियलाइज होती है ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहले भी काम किया है पर ये काम कुछ और है। मेरी लाइफ का ये सबसे ब्यूटीफुल फेज रहा है। एक तो मैं आपको दाद देना चाहूँगा, आप कुछ तो जादू है, कुछ तो करते हो। उसकी बातें सुनी आपने है ना, मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के। जिंदगी में जहाँ भी जाए ना, मुझे शायद एक चीज का ये रहेगा कि मलिका मेरे लिए गलत नहीं सोचेगी कभी। कोई भी इंसान खासतौर पर एक्टर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो मेरे दो बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही प्यारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ अपने किरदार को निभाया है कि आप लोगों ने उनको असली राधा कृष्ण मान लिया है। और जब 21 तारीख को लास्ट एपिसोड ऑन एयर होगा, मेरे ख्याल से पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कोई अगर सीरियल इतिहास में जिसको लगातार कांस्टेंट प्यार मिला होगा, वो भी आप दोनों की वजह से, तो ऐसा कोई सीरियल हो नहीं सकता। भाई पहले तो इस फीलिंग को कैसे देखते हो कि हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरी वक्त आ गया है इस सीरियल का? मुझे लगता है कि मैं सीन्स करते करते, क्योंकि सीन्स में मैं जब श्री कृष्ण की तरह फील करने की कोशिश करता था कि माता गांधारी का श्राप है और अब द्वारका का अंत आया है, तो मैं अंदर से वो चीज़ें फील करता था कि आई क्रिएटेड समथिंग, आई डिड ऑल द राइट थिंग्स आई कुड डू, एंड नाउ इट्स गोइंग राइट, एंड आई थिंक सो दैट मेड मी इनफ स्ट्रॉन्ग राइट। आज के रेट में ऐसा लगता है कि ये तो कभी ना कभी तो होना था, सो आई वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड वंस, नाउ आई एम। एंड द ओनली थिंग यू नो इज दैट यू नो द अटैचमेंट आई हैव विथ एवरी थिंग अराउंड द शो विथ कृष्ण प्लेइंग दैट, फीलिंग दैट कामनेस, यू नो कामिंग माई सेल्फ डाउन, जिस परफॉर्मेंस से पहले खुद को शांत करना और फिर परफॉर्म करना, एक साथ ज्ञान पढ़ना, परफॉर्म करना, एक 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 छोटी छोटी चीज़, आई थिंक सो आज मैं सोचता हूँ कि आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी लकी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को यू नो कुछ दे सका इन रिटर्न, क्योंकि मुझे तो बहुत मिला है इन रिटर्न, आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। सो आई थिंक सो आई एम ग्रेटफुल, आई जस्ट लुक एट दिस शो आइड ऑफ दिस टाइम, आई लुक एट दिस शो एज द वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। यू नो आई वर्क बिफोर, पहले भी काम किया है, पर ये काम कुछ और है। मलिका, आपके लिए पहला शो था आपका, कच्चे मिट्टी की तरह थे, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने आप को गढ़ा, मतलब कोई बेशकीमती चीज़ होगी ना, वो भी शायद इतनी कमाल की नहीं निकल के आएगी। लोगों ने और आप दोनों को इतना, आज मैं देख रहा था लोग आपसे लिपट कर रो रहे थे, इतने दूर दूर से आते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इसमें? ये कहूँगी कि जब मैं आई थी, मुझे जितना आज मैंने आज थोड़ी बहुत समझ है, उतनी भी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं शायद मेरे पहले दिन, वो एक पहला दिन था जब मैं आई थी और मुझे लाइन्स याद नहीं होती थी, इतने इतने रिटेक होते थे, मैं बहुत मुश्किल हुई मुझे समझने में। तो ये किरदार ही ऐसा है कि आपने चुना नहीं है, आपको आई थिंक चुना गया, आपको लाइफ ने सिखाया है। आपको नहीं पता था कि आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है। राधा कृष्ण एक सीरियल था जो सर ने बनाया है, सिद्धार्थ सर ने, उसमें हम आएंगे, हमें चुना जाएगा और हम मी एज राधा, सुमेध एज कृष्णा, और आगे की जर्नी कैसी रहेगी,
लगता भी नहीं था कि इतना लंबा होगा कभी शो. और बट हर चीज़ ना हमारे लिए बहुत अनप्रडिक्टेबल रही है हर एक फेज़ में लाइफ के. तो राधा मी जितना मैंने इस किरदार को धीरे 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 चीज़ें कुछ इमोशंस हमारे अंदर नहीं होते हैं, होते हैं बट हम टाइम के साथ उनको समझते हैं. टाइम के साथ आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हो. आपका नज़रिया बदल जाता है दुनिया को देखने का. जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है शायद वो कल उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, या वो आपको चूज़ करना है. बट इस शो ने बहुत कुछ सिखाया है एंड स्पेशली और ये अगेन मैंने जो कहा कि किरदार ही वैसा था कि आप खुद नहीं चूज़ करते हो कि आपको ये सीखना है लाइफ में, ये सीखना है, ये सीखना है. अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो लाइफ आपको बहुत अलग अलग तरीके से बहुत कुछ सिखा जाती है एंड आपको उसी पे चलना है और उसी तरीके से एक बार सिखाएगी नहीं समझोगे, दूसरी बार सिखाएगी नहीं समझोगे, बट लाइफ आपका हाथ नहीं छोड़ती है. वो लाइफ का एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ बट अगेन आई थिंक दिस इज़ व्हाट लाइफ इज एंड दिस इज़ व्हाट थ्रू दिस शो वी हैव लर्नड अ लॉट. एंड बिकॉज आई थिंक जो हम इतने लाखों लोगों को जो हम जो ये कृष्ण ज्ञान देते हैं या जो हमारे डायलॉग्स हैं कि लोग कितना कीनली ऑब्जर्व करते हैं. तो मुझे लगता है राधा ज्ञान भी होना चाहिए. आप मैं कब से बोल रहा हूँ किसी मेरी बात आज जाके सुनी. इतनी मैच्योरिटी आ गई, मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ लेकिन जिस अंदाज में अब वो परिपक्वता और वो जो ज्ञान है वो निकल के आ रहा है लाइफ को लेकर, एक्टिंग को लेकर, अपने क्राफ्ट को लेकर, वो बड़ा कमाल है. Genuinely, सच में. इतना ध्यान से तुम्हारी बातें. I think it's coming. मैं ना words को वो नहीं कर पा रही हूँ, but I think it's coming naturally. And right now I'm not able to frame the words. सुमेलिकन समझेंगे. हाँ. जितने भी fans हैं वो समझेंगे. सुमेल, जो सबसे ज़्यादा आप miss करने वाले हो इस set के बारे में, मलिका, वो क्या होनी वाली है चीज़? मुझे लगता है पूरा शो ही है जो miss होने वाला है. हमें शो से जुड़ी हर एक चीज़. एक तो हम मुंबई, पुणे, इन सब जगहों से दूर आके गुमरागांव में बसते हैं. यहाँ पे एक अलग परिवार सा बन जाता है और इसी परिवार के साथ आप काम करते हो, फिर पैकअप के बाद इन्हीं लोगों के साथ आप लाइफ जीते हो और आप सब रोज़ सुबह उठ के सेट पे आते हो राधा कृष्ण की कहानी दिखाने के लिए. और ये जो यहाँ सबके साथ एक बॉन्ड होता है, उतार चढ़ाव होते हैं पर फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सब जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कभी दूरियाँ आती हैं कभी नहीं आती हैं, पर मेरे मन में वो रिस्पेक्ट और वो एडमिरेशन लोगों के लिए रहता है, हमेशा रहता है. और वैसा ही इस शो के लिए भी, इस काम के लिए, इस किरदार के लिए और इस शो से जुड़े सभी फैंस के लिए हमेशा रह गए हैं, वो कभी नहीं जाएगा मन से. आप क्या मिस करने वाले सबसे ज़्यादा? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो हम मिस नहीं करेंगे. मैं मिस नहीं करूंगी या जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं. यहाँ का नेटवर्क नहीं रहता है, वो भी मिस करूंगा मैं. यही है ना कि हमारे कदम जैसे चलते जा रहे हैं ना आगे, पीछे छाप छूटती जा रही है, हम उसको समेट के आगे बढ़ते जा रहे हैं. और आई थिंक ये पूरी जर्नी याद रहेगी. कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, कुछ फेजेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. मेरी लाइफ का ये सबसे ब्यूटीफुल फेज़ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है और मैं हर एक चीज़ मिस करूँगी. सबसे प्यारी एक दूसरे के लिए याद क्या रहेगी? मुझे लगता है फर्स्ट इम्प्रेशन तो मुझे मालूम है, आपने बताया फर्स्ट इम्प्रेशन. हाँ वो तो अभी है. एक तो मैं आपको दाद देना चाहूँगा, आप कुछ तो जादू है, कुछ तो करते हो. आपके जब सवाल पूछते हो या क्या करते हो, पता नहीं आदमी एकदम जैसे उसकी बातें सुनी हैं आपने, है ना? मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के, मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ. अरे आपके इंटरव्यूज़ में मैंने स्पेशली नोटिस किया कि ये चीज़ होती है. तो
बट कमिंग टू मलिका, आई थिंक सो देर इज नो वन थिंग, बट यू नो आई ऑलवेज जेन्यूनली एडमायर्ड हर काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स. मस्ती कौर भी बहुत है बट उसकी काइंडनेस जो है ना वो मेरे को ऐसे छू गई है ना कि जिंदगी में वो कुछ भी करें मैं उसको उस काइंडनेस के नज़रिए से ही देखता हूँ कि एक बहुत काइंड इंसान है. और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो उसके काइंड उसके मन में जो काइंडनेस है लोगों के लिए. और उसकी एक चीज़ है जो अभी उसने कही, विच आई एम वेरी प्राउड दैट शी सेड दैट, यू नो व्हेन यू ग्रो अप व्हेन यू आर यंग यू हैव अ परसेप्शन ऑफ योर ओन. वो परसेप्शन धीरे धीरे एक्सपीरियंसिस के हिसाब से चेंज होता है. आप सीखते हो, आप ग्रो करते हो, आपके परसेप्शन आपको बाद में रियलाइज होता है मेरा परसेप्शन तो ये गलत था. फिर आप नया बनाते हो, वो भी कभी गलत लगता है. बट ये नया परसेप्शन बनाना, समझना, सीखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो उसने अभी सेम चीज़ कही. और जब भी उसने ये चीज़ कही है ना कि अपने थॉट प्रोसेस से बाहर से जाके चीज़ों को, लोगों को, काम को, सब चीज़ों को समझा है, मुझे लगता है वहाँ पर उसकी बहुत प्यारे तरीके से ग्रोथ हुई है. और ये कभी भी इसको मैंने शो ऑफ करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा. हमेशा वो साइलेंटली काम करती रहेगी सेट पे, वो किसी को फील भी नहीं होने देगी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ. जब मैं स्क्रीन पे जाके देखता हूँ ना घर पे, तब मुझे रियलाइज़ होती है ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. बट सेट पे ना तो ऐसा करेगी कि नहीं ये मेरे काम में ये डिस्टर्बेंस हो रहा है. ये मुझसे होता है कई बार कि मैं परफॉर्म करता हूँ, कोई आवाज़ करता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ. इसके परफॉर्मेंसेस के टाइम पे भी वो आवाज़ें आती हैं, बट शी डजंट रिएक्ट, शी डजंट से एनीथिंग, शी जस्ट साइलेंटली फोकसेस ऑन अ वर्क. आई थिंक सो दैट्स वेरी कमेंडेबल. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू, डेफिनेटली. या क्या चीज आता है किंग? किंग सबसे पहले अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है तो वो ये है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आपके लिए बहुत ईजी नहीं होता है कि खुद को एज एन आर्टिस्ट. आई एम अगेन, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं बहुत प्राउड हूँ, बट आप किसी कोई भी आपको कैरेक्टर दे दिया जाए, मैंने नहीं देखा है बहुत लोगों को कि वो घुस जाते हैं अपने किरदार में और कितना डेडिकेटेड रहते हैं, कितना फोकस्ड रहते हैं. मतलब हर वक्त आपका उस वही फोकस, वो बहुत मुश्किल होता है लाइफ में अचीव करना, विच आई हैव सीन इन हिम एंड आई ट्रूली एडमायर दैट. एंड और डे वन से जो मैं बोल रही हूँ कि कृष्ण में भी मैंने जब इनको ढलते देखा, आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन जब हम फ्लोर पे नहीं आए थे शूट करने, वर्कशॉप के डेज थे, एंड आई हैव सीन हिम लर्निंग फ्लूट बाय हिमसेल्फ एंड रीडिंग ग्रंथ एंड एवरीथिंग जस्ट टू गेन नॉलेज एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और द वन यू आर प्लेइंग. बहुत उस पर हार्ड, मतलब आप एक होता है आप स्कूल में सीखते हो और आप एक होता है खुद होमवर्क करते हो. ये एक ऐसा फेज होता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप उस पर जी जान लगा देते हो. ये बहुत मुश्किल से लाइफ में हम अचीव कर पाते हैं और पता नहीं उसके पीछे कि इसकी कितनी मेहनत रही होगी कि इसने आज मैं इनको ऐसे देखती हूँ. तो यही चीज़. और एक और कमाल की चीज़ है दोनों के साथ, आपकी दोस्ती को लेके मैंने देखा है, कितनी भी जैसे कितनी दूर आप परिवार से रह रहे हो, उतार चढ़ाव काम को लेके, प्रोफेशनल पर्सन चीज, लेकिन वो जो मजबूती है ना वो कभी हल्की नहीं हुई. एक दूसरे के लिए जो एंकर आप बन के सपोर्ट सिस्टम खड़े रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोलें, कोई भी, ये चीज़ कैसे इतना अपने अंदर ये जो साहस है, ये मेहनत, ये हिम्मत है, कैसे ली? आई थिंक सो मैं अगर इस चीज़ का जवाब दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अभी उस स्टेट पे हैं मेरे हिसाब से जहाँ पे हमारी बातचीत हो ना हो, हम एक दूसरे को देखे ना देखे, मिले ना मिले, जैसे सेम, जैसे हमें नहीं पता इसके आगे क्या. बट जिंदगी में जहाँ भी जाए ना, मुझे शायद एक चीज़ का ये रहेगा कि मलिका मेरे लिए गलत नहीं सोचेगी कभी, और मेरे मन में कभी उसके लिए कभी गलत थॉट नहीं आएगा कभी भी. मुझे आज भी, मैं दिल से कहता हूँ, ये तो तुम्हें ऐसा मुंह पे बोलने वाली चीज़ है नहीं, तुमने कहा नहीं कभी, बट यस अच्छा लगता है मेरे को जब ये ग्रो करती हैं.
क्योंकि मैंने उसको तब भी देखा है जब ये काम को सीरियसली नहीं लेती थी, हम उसको बोलते थे लाइन्स याद कर, बोलते हाँ हाँ बट नहीं भी करती थी। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जहाँ पे उसके लिए मुश्किल होता था पर वो कोशिश करती थी। उसके बाद आज की डेट में इतना एफर्टलेसली वो ग्रो करते हुए देख मेरे को अच्छा लगता है। और मुझे, मैं जेन्युइनली सच कहता हूँ, ये ऐसे ग्रो करते हुए दिखे यही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगा ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत है मेहनती लड़की है, समझदार भी लड़की है, कुछ चीज़ें सीख के और ज़िंदगी में बस आगे बढ़ती रहें, अपने परिवार को रोशन करें, जम्मू को रोशन करें। इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुंह पे नहीं करता हूँ ना। हाँ तो आज कर रहे हैं तो कैसे वो मजबूती बनाई रखी दोस्ती। आई थिंक कुछ चीज़ें ना लाइफ में बहुत एफर्टलेसली होती है। आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग रिश्ते होते हैं लाइफ में। एंड हमें कोई भी, अगर वो कोई भी प्योर रिलेशनशिप या कोई भी बॉन्ड या कोई भी रिश्ता होता है किसी के साथ भी, वो तभी प्योर होता है जब हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, सब कुछ एफर्टलेसली होता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि बॉन्ड सब ने, एक तो जब पूरी दुनिया मिलके हमें सुमेलिका का नाम दे रही है, सुमेधुर मल्लिका को, वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज कितना हमें अट्रैक्ट करती होंगी, नहीं समझ में आता है हमें। बट वो देख के साथ में, हम इतने साथ में मेहनत कर रहे हैं पिछले 6 साल से, एक शो में साथ में काम कर रहे हैं एंड लोग इतना प्यार दे रहे हैं, एंड वो अपने आप आई थिंक वो हो जाते हैं। और अगेन हमने शो ही ऐसा किया है राधा कृष्ण, एंड इतना उन्होंने पॉजिटिव कर दिया है अंदर से, मतलब चाहे वो किसी के साथ भी हमारे कनेक्शंस हो। एट लास्ट, क्योंकि लास्ट सीन देख रहा था मैं, फील कर रहा था वो इमोशंस को, हर चीज़ को, ये कैसे आपने ये कोशिश की है या आपने हिम्मत रखी है कि वो इमोशंस को अंदर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, जो कि सबसे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके भी और आपके लिए भी। मुझे लगता है कि आज फिर भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मिल रहे थे, और तो आज फिर भी मेरे लिए थोड़ा बेटर था, बिकॉज द जॉय ऑफ मीटिंग एवरी वन अराउंड, सिद्धार्थ सर आए, पूरी टीम आई, राहुल सर आए, नितिन जी आए, अब्दुल जी आए, सभी आए, तो देर इज अ सर्टन सेंस ऑफ हैप्पीनेस मीटिंग एवरी वन। सो टूडे इज स्टिल ईजी, कल बहुत मुश्किल था मेरे लिए, जब मैं श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण के किरदार का सीन कर रहा था जहाँ पे द्वारका का अंत होता है और वो पृथ्वी लोक से प्रस्थान करते हैं, तब मेरे लिए, मैं रोया हूँ, मैं बस मास्टर कर रहा था, मास्टर में यू डोंट कम्प्लीटली इमोट, क्योंकि आपको एनर्जी सेव करनी होती क्लोज के लिए। मैंने मास्टर में परफॉर्म किया और मैं उठा और मुझे रियलाइज हुआ कि रोना आ रहा है तो मैं शांत किया खुद को, मैं लास्ट में परफॉर्म किया। अब उसमें मैंने कोशिश की कि मैं अपने इमोशंस को निकालूं तो यहीं तक निकालूं, इसके आगे ना निकालूं, नहीं तो फिर हो जाएगा वो मैं नहीं चाहता था वो, लेकिन बहुत मुश्किल था। और एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी इस जर्नी को एक साथ जी रहा हूँ, एक एक चीज़ जो मैंने शो में जी है आज तक, एक एक रास जो हमने शूट किया है, जब जब हम जहाँ 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 घूमे हैं, बीच पे हम घूमे, ये गए, सब गए, सब मैंने इमेजिन किया उन मोमेंट्स में, और जो मुझे फील हुआ उस सीन में सिर्फ वही है। उसमें मैंने बिल्कुल ग्लीस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और मैं फूट फूट के रोते रोते बस खुद को रोक रहा हूँ उस सीन के बिट बिट पे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई, रोएंगे नहीं अभी। आपने कैसे किया? जैसे चल रहा है वैसे ही किया, और कैसे किया? वो इमोशंस को क्लियर निकल लेंगे और इवेंचुअली हम सीख जाते हैं एक्टर्स। भाई हाय सर, टेक केयर, और इससे बड़े प्रोजेक्ट्स करूं। आपके जो सुमेलिकंस हैं, सुमेदियंस हैं, मल्लिकंस हैं, वो सब चाहते हैं कि आप इससे बहुत अच्छा करो, और ये दिल से निकल रहा है। थैंक यू। और मैं भी आपको अपना परिवार मानता हूं, और मैं सोचता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं हम लोग एक हिस्सा हैं। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दे एंटर्ड, जो पूरा एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना,
जो एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है सालों बाद उसे देखने के लिए जो कनेक्ट होता है, तो वो एक फीलिंग आई थी उन सारे के सारे सीन्स में. एंड आई डू रिमेम्बर कि एक एक करके सब लोग आए थे. बलराम पहली बार आया था, फिर राधा आई थी और फिर कृष्ण आया था. और वो उन दोनों को देखने के बाद जो एक वेट होता है ना एक माँ का कि उसका बच्चा भी सामने दिख जाए, दैट ऑल वेट एंड द वेटिंग पीरियड, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी राइटिंग में, हमारे एपिसोड्स में दिखाया गया था.